हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिम्युलेटर 25 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। गाइस हम लोग खेल रहे हैं जी ह्यूटन पेंटाई मैप, और ये हमारा लेट्स प्ले सीरीज़ जो है वो चल रहा है एशियन मैप में फार्मिंग सिम्युलेटर 25 के। और यहाँ पे पिछले गेम प्ले की मैं आपको थोड़ी बहुत जो है वो हाईलाइट देता चलूँ। सो पिछले गेम प्ले में हमने स्टार्ट किया था रॉक ब्रेकिंग से, जिसमें हमने जो है वो पत्थर तोड़े थे किसी फार्मर के लिए। और एट द एंड ऑफ दैट गेम प्ले हमने क्या करा था, हमने सिंपली जो है वो एक नया फील्ड जो है वो परचेज़ करा था। और पिछले गेम प्ले में हमने जो चीदा चीदा चीज़ें की थी उसमें से एक ये भी है कि हमने जो है वो अपने राइस भी सेल किए थे, जो कि काफ़ी देर से जमा हुए पड़े थे। और अप्रोक्सीमेटली 90,000 लीटर राइस थे हमारे पास, तो 3-4 दफ़ा की हार्वेस्ट थी जो कि हमारी जमा हुई पड़ी थी। और उसके बाद हमने जो है वो बफलो मजरेला बेचा था काफ़ी ज़्यादा, जिसके वजह से हमारे पास मज़ीद पैसे आ गए थे। सो मैंने पिछले गेम प्ले में एंड के ऊपर जो है वो एक फील्ड परचेज़ कर लिया था, जिसके ऊपर जो है वो शुगर बीट प्लांट की हुई थी। सो शुगर बीट अब मेरे किसी काम की नहीं थी, ठीक है। अगर मैं उसको खाली ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो अगर उसको हार्वेस्ट भी करता तो बेशक उसका यील्ड बहुत ज़्यादा था, लेकिन मशीनरी मुझे जो है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जानी थी, तो वो इतनी कोई प्रॉफिटेबल नहीं रह जानी थी मेरे लिए। सो मैंने इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि इसको खली बली करो, और सारा जो है वो मैंने कल्टीवेट कर दिया। और कल्टीवेट करने के बाद मैंने सिंपली जो है वो अब वो फील्ड जो है वो प्रिपेयर कर लिया। और ओरिजिनल मेरा प्लान क्या है वो मैं आपको पिछले गेम प्ले में बता चुका था कि मेरा ओरिजिनल प्लान यही है कि मैंने यहाँ पर जो है वो ओके वर्क हेडलाइंस ऑफ कर देते हैं, ठीक है इसकी। सो ओरिजिनल हमारा प्लान यही है मेरा पर्टिकुलरली कि मैंने यहाँ पे जो है वो ग्रास प्लांट करना है इस फील्ड के ऊपर। और ग्रास प्लांट करने के बाद हमें जो है वो प्रॉपर एक ग्रास इक्विपमेंट चाहिए। और क्यों करना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने जो है वो अभी साइलेज बनाना है हमारी बफलोस को फीड करने के लिए, साइलेज भी ख़त्म हो गया। और जो हमने शीप ले कर रखी हैं उनको फीड करने के लिए हमारे पास जो हे होता है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो हे भी फ़िलहाल जो है वो थोड़ा मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा रह गया, ठीक है। तो मैं वैसे भी हे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बेल स्टोर करना चाहता हूँ, ना कि लूज़ फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ। सो लूज़ फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है वो जो हे लोफ्ट हमने परचेज़ करा था अपने फार्म के ऊपर उसमें पड़ा हुआ है। और लेकिन यह है कि बेल्स के फॉर्म में हमारे पास हे जो है वो जितना भी था वो ख़त्म हो चुका है। सो दो चीज़ें चाहिए हमें, नंबर वन है, नंबर टू साइलेज। अब साइलेज जो अगर हम कन्वेंशनल तरीका है जिसमें हम कॉर्न को इन्वॉल्व करते हैं उस तरीके से बना लें तब भी बेहतर है। जो नॉर्मल हमारा जो दूसरा तरीका है ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है उससे बना लें तो भी बेहतर है। सो दोनों तरीक़ों में जो है वो जो कॉर्न को इन्वॉल्व करने वाला तरीका उसमें यह है कि हमें क्वान्टिटी मिल जाती है, ठीक है, साइलेज की। तो जो दूसरा है उसमें भी क्वांटिटी तो होती है, लेकिन उसमें यह है कि फिर वो बाद में स्टोरेज मैनेजमेंट का बड़ा मसला बनता है। आपको पहले जो जितनी भी आपके पास साइलेज वाली बेल्स होती हैं उनको स्टोर करना पड़ता है प्रॉपर जगह पे, फिर उनको जो है वो बार बार। सो अगेन दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान आते हैं। सो इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो है वो मोस्ट लाइकली बेल वाले मेथड जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेलिंग के रिलेटेड मेरे पास या बेल मैनेजमेंट के रिलेटेड मेरे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। जबकि अगर मैं कॉर्न वाले सेटअप पे जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास जो साइलेज साइलो है वो नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर हमने चाफ अनलोड करना है और साइलेज बनाना है, वो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर लेट्स सपोज हम वो परचेज़ कर भी लेते हैं सो उसको रखना कहाँ है, वो जगह भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है वो मैं कॉर्न वाले मेथड के साथ चाह के भी जो है वो नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो रख भी सकता हूँ उसको, लेकिन वो वर्थ इट होगा या नहीं सो ये एक अलग डिबेट है। मैं फ़िलहाल जो है वो बेल के फॉर्म में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली होगा ये कि बेल्स अगर हम सेल करेंगे तो वो हमारी थोड़ी सी जो है वो अच्छी प्राइस के ऊपर बिक भी सकती हैं बाद में। हम वैसे अगर उसको हमने जो नॉर्मल हमारा साइलेज हुआ अगर हम उसको वैसे सेल करते हैं तो वो फिर बाद में सेल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सो मिक्स्ड है मेरी जो भी ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं जी सीधा अपने फील्ड की तरफ, और वहाँ पे चल के जो है वो देखते हैं, अगर इक्विपमेंट हम परचेज़ कर पाए तो परचेज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग जो है वो ऑफकोर्स लीज़ पर ले लेंगे,
ठीक है, जिस तरह से भी हमारा सेटअप लगा करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो प्लांट करने वाला सिस्टम है ना, वो हमें लीज़ पे ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा प्लांट करना है। उसके बाद हमें बार बार, अगर हमने ग्रास ही प्लांट करना है तो फिर प्लांटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दफ़ा बस हमने प्लांट करके हमारा काम बन जाएगा। बार बार फिर हमने ना तो प्लांट कोई चीज़ करनी है, तो वो प्लांटर इतना एक्सपेंसिव जो है वो ले के रख लेंगे, वो इधर पड़ा पड़ा अपनी जो है वो वैल्यू लूज़ करता रहेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो इस वजह से जो प्लांटर या सीडर जो भी है वो हम लीज़ पे ले लेते हैं। बाकी का जितना भी सामान है, मोवर हो गया, टेडर हो गया, विंडरोवर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कोशिश करेंगे कि ये परचेज़ कर लें, जैसे भी है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी हमारा जो सीडर्स हैं इनका क्या सूरत हाल है। सीडर सीडर सीडर्स, अगर सीडर्स ही होते हैं ना जिसको, हाँ बिल्कुल सीडर्स ही हैं जिसको यूज़ करते हुए हम ग्रास प्लांट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सीडर्स की डिफरेंट जो है वो वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव वाले भी हैं, थोड़े कम एक्सपेंसिव वाले भी हैं, ठीक है। अच्छा, 12 मीटर्स, 8 मीटर्स, ये वाला मेरे ख्याल से यार ठीक रह जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो फर्टिलाइज स्प्रेडर है वो हमारे पास ऑलरेडी है। सो 8,000 का ये हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली सीड भी होगा, तो सीड भी इसमें फिल जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे पड़ा हुआ है एक पैलेट सीड का, तो ज़्यादा नहीं होगा शायद। बिल्कुल 619 लीटर है हमारे पास सीड। तो फ़िलहाल इससे काम चलाने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारे पास मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में हम मज़ीद जो है वो कर लेंगे। याद से अब यहाँ पे हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जी ग्रास, और ताकि ये ना हो कि हम बाद में पता चले कि ये तो हम वीड प्लांट करते रहें, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि बड़े याद से जो है वो सीड चेंज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो नहीं याद रहता कि हमने सीड चेंज करना था। चलें जी, तो स्पीड भी ठीक ठाक है सीडर की, वर्किंग रेंज भी ठीक ठाक है, 8,000 का हमें ये पड़ा है। सो लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी वर्थ इट। और यहाँ पे मुझे नहीं पता ये 600 लीटर जो सीड है इसमें ये पूरा फील्ड कवर हो पाएगा या नहीं। और अगर हम टेक्सचर की बात करें तो यस, थैंकफुली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर हमें नज़र आ रहा है टेक्सचर में, और कोई चीज़ जो है वो मिक्सअप नहीं हो रही, वरना यूजुअली जो है होता है वो ऐसे होता है कि फार्मिंग सिमुलेटर 23 में तो पता ही नहीं चलता कि प्लांट हमने कौन सा एरिया कर लिया और कौन सा एरिया अभी रहता है जो हमने प्लांट करना है। तो मेरे ख्याल से टेक्सचर जैंड सॉफ्टवेयर वालों का ना प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट रखना चाहिए और कुछ फ़र्क रखना चाहिए, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि भाई कौन सा एरिया प्लांट किया, कौन सा एरिया नहीं किया। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं खुद ही जो है वो हेडलैंड कवर कर रहा हूँ अपनी, तो बाद में अगर हम एआई भी हेल्पर भी हायर करना पड़ा तो हेडलैंड्स अगर हमने खुद कवर की होंगी तो वो एआई जो है वो उसके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि हम हेडलैंड जो है वो डिसेबल कर देंगे तो वो जो एआई होगा वो हमारा नॉर्मल एआई ही बन जाएगा, ठीक है। तो हेडलैंड्स के साथ जो अगर हम एआई हेल्पर हायर करते तो वो फिर बड़ी ऊटपटांग हरकतें करता है और सही से जो है वो काम भी नहीं करता। और आई थिंक कि इस सीडर को इतनी कोई हॉर्स पावर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होती भी तो आई डोंट थिंक कि ये जो हमारा ट्रैक्टर है T8 जेनेसिस, ये इतना बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी डिसेंट हॉर्स पावर है इस ट्रैक्टर की, डिसेंट से भी ज़्यादा बेहतर है ये। तो चलें जी, ये वाला राउंड भी अभी हम पिक करते हैं और लेट्स गो। तो अभी 1% हमने कर भी लिया है जी सीड यूज़, 10% था हमारे पास, अब हम 9% पे आ गए हैं और सीड जो है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ये एम्पल होगा जितना भी सीड है अभी हमारे पास, तो ये कम पड़ जाएगा। सो कोई मसला नहीं है, जब बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया कि खत खाली हो गया तो हम दोबारा भर लेंगे, और ये भी हो सकता है कि ये सारे का सारा पूरा आ भी जाए इसमें, सो कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्योंकि कल हमने जो एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा था ना गाइस, तो उसमें मेरे को ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जो हर्बिसाइड था हमारे पास जो टैंकर में था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो पूरा उसमें आ जाएगा, बट
तुम्हें एक सरप्राइज़, वो सारे का सारा जो है वो हमारा फील्ड हो गया था और बहुत ही कम परसेंटेज में हमने जो है वो यूज़ करा था वो। सो ये जो है ना, ये वही फार्मिंग सिमुलेटर 22 वाले ग्लिच। अब ये जो है ना सोयाबीन का प्लांट, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों है यहाँ पे, ठीक है। और फार्मिंग सिमुलेटर 22 में भी ऐसे ही होता था, ठीक है। एक जो है वो रैंडम किसी क्रॉप का प्लांट जो है वो आपकी खेत में जो है वो खड़ा होता था, और हालांकि वो आपने कभी, अब ये देखो इस साइड पे भी है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ये क्या सीन है, क्यों ये यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। इसको आप जितना मर्ज़ी कल्टीवेट कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, ये नहीं ख़त्म होगा यहाँ से। तो ये एक अजीब सा है, इसमें इस गेम में भी बग है, और फार्मिंग सिमुलेटर 22 में भी था ये मसला। मे भी हो सकता है इसका कोई गेम में कोडिंग शोडिंग हो, कुछ हो, इसका रोल हो, मतलब ये हो सकता है कि ज़रूरी हो इसलिए ये गेम में ऐसे होता है। लेकिन ये है कि है ये बड़ा अजीब सा, और यूजुअली ऐसे लगता है, मतलब आपको भी एक वाइब आ रही होती है कि शायद इस फील्ड में पहले जो है वो सोयाबीन प्लांट थी। हालांकि आप लोगों ने कल देखा गेम प्ले में कि इसके इस फील्ड के ऊपर जो है वो हमारे सिंपली जो है वो शुगर बीट थी प्लांटेड, जिसको हमने अभी बाद में कल्टिवेट किया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं जी, हम हेल्पर हायर करके देखते हैं क्या करता है वो, ठीक है। तो इसका हमने जो है वो हेडलैंड डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, एंड लेट्स सी। तो ये अपनी मर्ज़ी से बीच में से ही स्टार्ट कर लेगा, तो जो एरिया ये छोड़ देगा फिर उसको बाद में हम लोग जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी करने देते हैं जिस तरीके से भी ये करता है। चलें जी, यहाँ से इसने शुरू कर दिया, और ये जो है वो यहाँ से पिक करने शुरू कर देगा ये। और अच्छा, मतलब कि 12-13 मीटर इसकी रेंज है, फील्ड का साइज़ भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो हेल्पर है, वो भी आप लोग देख सकते हो कि ठीक ठाक तरीके से कर रहा है। वहाँ पीछे से उसने छोड़ दिया, और बेसिकली हेडलैंड का जितना भी एरिया बनता है वो ये छोड़ता जाएगा, वो हमें बाद में जो है वो कवर करना पड़ेगा। सो ये दोनों हेल्पर जो है वो लगे हुए हैं, इनको लगा रहने देते हैं, जैसे ये कंप्लीट होते हैं तब हम अगला जो है वो अपना काम करते हैं। फिर गाइस, तो यहाँ पे हमने जो है वो ग्रास भी प्लांट कर लिया था, और लगे हाथों मैंने जो है वो राइस भी प्लांट कर दिए थे। अब बेसिकली है ना, हमने राइस को जो है वो फर्टिलाइज़ करना है। सो फर्टिलाइज़र स्प्रेडर हमारा यहाँ पे पड़ा है, और बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि आप राइस प्लांट करने से पहले ही अपने फील्ड को 100% फर्टिलाइज़ कर दें। 50% वो ऑलरेडी होता है, जो रिमेनिंग 50% होता है वो आपने जैसे तैसे जो है वो करना होता है। तो अब यहाँ पे ना, ये है क्रॉप कुछ इस तरह की कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि कौन सा एरिया आपने फर्टिलाइज़ कर लिया है, कौन सा एरिया अभी रहता है। सो पहले तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे ये ही हेल्पर हायर कर देता हूँ, फिर मैंने सोचा यार सारा काम यही से करवाना है तो मैंने क्या खेलना है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं खुद मैनुअली इसको जो है वो फर्टिलाइज़ कर देता हूँ। सो यहाँ पे अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि एक फर्टिलाइज़र का पैलेट और ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कम पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा गया हमारा फर्टिलाइज़र का पैलेट। यार ये वाला है ना फील्ड, अगर हम परचेज़ कर लें यहाँ पे, मतलब सेंटर में, अच्छा, यानी कि एक फार्म का हमारा जो है वो सेटअप बन जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। तो ये वाला फील्ड दो परचेज़ कर लिए, ये दो भी परचेज़ अगर हम कर लें, ठीक है, तो ये वाला फील्ड नंबर 4 अगर हम परचेज़ करेंगे तो ये सारे का सारा फार्म ही हमारे पास आ जाएगा। तो फील्ड नंबर 4 में अच्छा खासा एरिया है, 8.1 हेक्टर है, और प्राइस भी इसकी ठीक ठाक है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक तो ये सारी बिल्डिंग्स हमारे पास आ जाएंगी, सेकेंडली हमारे पास एक और साइलो आ जाएगी, तो हमें अपनी दूसरी साइलो के पास नहीं जाना पड़ेगा। एंड बिसाइड्स दैट, मैं अभी यही सोच रहा था कि यार ये राइस है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर रहे हैं। सो इससे बेहतर यही है कि हम लोग जो है वो अगर सोयाबीन प्लांट करें तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए जो है वो कदरे बेहतर ऑप्शन होगा। मतलब राइस एज अ न्यू क्रॉप प्लांट करना एक अच्छी चीज़ थी, तो वो हमने ऑलरेडी जो है वो काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं हम प्लांट, ठीक है, एज अ न्यू क्रॉप। सो अब जो है ना, मतलब कि थोड़ा सा हमें जो है वो अपनी प्रोग्रेस को जो है वो आगे लेके जाना चाहिए। सो प्रोग्रेस को अगर हमने आगे लेके जाना है, सो उसका तरीका यही है कि हम जो पैसे वाली चीज़ें हैं, जो पैसे वाली क्रॉप्स हैं,
वो यहाँ पे प्लांट करना शुरू करें। और राइस के ऊपर जो है वो गाइस बेसिकली नॉट गोना लाई, टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। प्रॉफिटेबल क्रॉप तो है, अब जो लॉन्ग लॉन्ग ग्रेन राइस है उनका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो प्लांट कर लो चाहे वीट प्लांट कर लो, वो तो सेम ही हिसाब किताब है, ठीक है उसका। और कम से कम जिस डिफ़िकल्टी पे मैं खेल रहा हूँ, इस डिफ़िकल्टी पे तो यही सीन है। इजी डिफ़िकल्टी का मुझे नहीं पता कि उसकी प्राइसिंग जो है वो क्या चलती है राइस की, जो नॉर्मल लॉन्ग ग्रेन राइस है। ये वाले राइस एक्सपेंसिव हैं, इसी वजह से मैं जो है वो इनको जो है वो बेसिकली प्लांट कर रहा हूँ। सो यही वजह है इनको प्लांट करने की, और कोई ख़ास जो है वो स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो अब मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को दिखा देता हूँ प्राइसिंग, ठीक है इसकी। तो अगर हम लॉन्ग ग्रेन राइस की बात करें, लॉन्ग ग्रेन राइस, अब यहाँ पे लॉन्ग मिलना मुश्किल है। ओके, इतनी ज़्यादा क्रॉप्स हैं यार यहाँ पे, और ऊपर से मेरा जो है वो माउस वो भी कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक दफ़ा मेरे ख्याल से दोबारा मैं अगले जो है वो साइड पे ले जाता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या प्राइस है इसकी लॉन्ग ग्रेन राइस की। अच्छा, इस फील्ड में ना ये जो मेरे ख्याल से है हमारा स्टीयरिंग व्हील असिस्ट, वो भी थोड़ा सा अजीब तरीके से जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसकी आप आवाज़ चेक करो कितनी अजीब सी, जैसे कोई बर्ड बोल रहा होता है। लॉन्ग ग्रेन राइस एल, यार क्या इन्होंने चीचू का मरबा बना दिया। ठीक है, ये राइस आ गए, हमें चाहिए लॉन्ग ग्रेन राइस। माउस के बच्चे तू कर ले एक दफा, लॉन्ग ग्रेन राइस, ठीक है। सो इनकी प्राइस जाती है 1000 तक। अब 1000 का बंदे ने क्या ही कर लेना है यार, मतलब 1000 अगर आपको प्राइस मिलती है हाईएस्ट किसी क्रॉप की, तो वो क्या ही हम उससे कर लेंगे। भले ही उसका ये फ़ायदा हो कि हम जो है वो इस क्रॉप को नॉर्मल हार्वेस्टर के साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फील्ड तो आपका कंज्यूम हो जाता है ना, फिर आप उसके ऊपर फील्ड के ऊपर और कुछ चीज़ तो प्लांट नहीं कर सकते। और इस सब के अलावा जो एक और एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वो ये है कि जो दूसरी आपकी क्रॉप है वो आपने फर्टिलाइज़ किया, हर्बिसाइड किया, डन। तो इसको आपको चाहे राइस नॉर्मल हो चाहे ये वाले हो, इसको आपको जो है वो बार बार पानी भी देना पड़ता है। सो ये मेरे ख्याल से ना सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इसकी, जो मुझे लगती है फ़िलहाल। लॉन्ग ग्रेन राइस हो चाहे दूसरी राइस हो, तो आपको जो है वो बार बार इसको पानी देना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अगर ग्रेप्स प्लांट कर लेते हैं, सो हर हार्वेस्ट के बाद अगर उसको हम ट्रिम करेंगे, सो वो अच्छा खासा जो है वो टाइम ले जाती है ये वाली चीज़ें। सो खैर, यहाँ पे अभी हम अपने राइस को जो है वो कर रहे हैं जी फर्टिलाइज, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन हेयर। इसके अलावा ये एक राउंड और बचता है, मे बी दिस इज़ प्रोबेबली दी फाइनल राउंड, उसके बाद हम मोस्ट लाइकली कवर कर चुके होंगे सारा का सारा फील्ड ही। सो यस, मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये कवर हो चुका होगा सारा फील्ड ही। तो अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो इट्स ओके, इतना बड़ा फील्ड है, इट डजंट हैज़ टू बी परफेक्ट, ठीक है। तो ये सारा हो चुका होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या सीन है इसका, कितना फर्टिलाइज हो गया, कहीं रह तो नहीं गया। तो ये मल्च वाला अगर, अरे नहीं थोड़ा सा रह गया है, ये कर लेते हैं इसको भी गाइस। तो इस तरफ से करके रह जाता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे रह जाता है। तो थोड़ा सा ही मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर लगेगा, लेकिन ये है कि अब देखो राइस हमने इतनी मेहनत से प्लांट करें, फिर इतनी मेहनत से हार्वेस्ट करेंगे, तो अगर यील्ड ना पूरा मिला तो फिर फ़ायदा क्या है इनको प्लांट करने का, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से जो है वो बिल्कुल कोई कसर नहीं हमें जो है वो बेसिकली छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये अब होपफुली सारे का सारा हो चुका था। एग्जैक्टली, तो चलें जी, अब बेसिकली हम राइस का फील्ड जो है वो उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ पे भी कोई कमी पेशी हुई फर्टिलाइज़र वगैरह की, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे पहले जो क्रॉप प्लांट थी वो भी 100% फर्टिलाइज थी, उसको हमने जो है वो उल्टा
कल्टीवेट कर लिया था। सो अब यहाँ पे जो 5% रिडक्शन हो रही है वो हो रही है मल्चिंग की, सॉरी मल्चिंग बोल रहा हूँ, रोलिंग की। रोलिंग हम करना भूल गए थे, और मैं जो है वो टू बी ऑनेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन फिर ये राइस प्लांट करने के चक्कर में पड़ गया। उसके बाद मुझे टोटली जो है वो भूल गया कि इस फील्ड को जो है वो रोलिंग चाहिए। अब मेरे ख्याल से एक ही काम बचता है कि हम टाइम स्किप करें, और जब ये राइस और राइस का तो पता नहीं ग्रास रेडी होता है, तो इसको हम हार्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। हार्वेस्ट ही हो गया एक तरह से, क्योंकि वो जब हार्वेस्ट होता है रेडी टू हार्वेस्ट लिखा हुआ आता है, सो आई थिंक इसको फिर हार्वेस्ट ही बोलना चाहिए। वाह गाइस, क्या लक है भैया हमारा। अभी हम तैयारी कर ही रहे हैं ग्रास को हार्वेस्ट करने की, और बेलर के ऊपर जो है वो सेल आ भी चुकी है। सो 88,000 डॉलर्स का हमें जो है वो मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइन एम्प्टी नहीं, हमें स्टैंडर्ड चाहिए, तो ये परचेज़ कर लेते हैं। लगे आता हूँ अब, जैसे फर्गसन का बेलर हमें मिल रहा है। ठीक है, सो ये तो अच्छा ही हो गया कि मैंने जो है वो चेक कर लिया शॉप। सो या सेव सम मनी, ऑफ कोर्स सेव्ड। यहाँ पे बाकी की भी चीज़ें हमने जो है वो परचेज़ कर ली हैं। सो यहाँ पे ये जो मोवर है ये मैंने इसलिए परचेज़ करा है क्योंकि इसकी खासियत यह है कि इसको ना यूज़ करते वक्त आपको जो है वो आगे इसके कोई दूसरा मोवर जो है वो नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, सो अब मेनली क्योंकि हमने बनानी है यहाँ पे साइलेज बेल्स, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली जो है ये दोनों, ये वाला मोवर और ये विंड्रो, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ कनेक्ट कर लूँगा। सो हमारा जो है वो होपफुली सेटअप यहाँ पे एक अच्छा लग जाएगा। ठीक है, सो इसको आगे से लिफ्ट अप कर लेते हैं क्योंकि अटक रहा ही है नीचे, दीवारों दीवार सी जो है वो बनी हुई है इसके साथ। तो यहाँ पे अब इसको रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको ऑन कर दिया, और इसको भी अनफोल्ड करते हैं। आई होप कि इस ट्रैक्टर में अब पावर जो है वो एम्पल हो। ठीक है, ये ना हो कि अब ये ट्रैक्टर जो है वो पावर के चक्कर में जो है वो पड़ा रह जाए, और हमें जो है वो प्रॉपर इससे जो है वो अच्छा जो एक्सपीरियंस ना मिले। चलें जी, लेट्स सी, वी आर फाइनली मूविंग सम ग्रास। और ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से जो है वो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी मैंने ये काम करना था, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि हम एक ही गो में ये दोनों काम कर लेते हैं। तो हमारा ग्रास भी जो है वो मूव हुए जा रहा है, और पीछे से विंड्रोर जो है वो उसको नाइस एंड ईजीली जो है वो कलेक्ट भी करे जा रहा है। ठीक है, सो इससे होगा ये, अब नुकसान तो इसका यही होगा कि जो एजिज़ हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो या मे भी हो सकता है हमें थोड़े थोड़े एजिज़ जो है वो इसके वैसे ही छोड़ने पड़े, फील्ड को थोड़ा बहुत जो है वो राउंड करने के चक्कर में, या फिर जो भी है जिस तरह से भी है, अब इसको जो है वो ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। एजिस के ऊपर काम ख़राब होगा अगर हुआ तो, वैसे तो जो है वो काम सारा ठीक ही होने वाला है। चैलेंज तो मेरे ख्याल से एज के ऊपर अगर हम ये वाला काम कर लें तो बेहतर रह जाएगा, कंपेयर टू के इस तरफ से तो मुड़ जाएगा, उस तरफ से जो है वो मुड़ते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उस तरफ जो है वो जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, आगे ट्रीज़ और वो पहाड़, से इस तरह की चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि स्मार्ट वर्क तो हम एक तरह से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब अगर मैंने जो प्रोफेशनल मतलब साफ़ सुथरे तरीके से अगर मैं ये करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को दोनों टूल्स जो है वो फिर बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे होगा ये कि हमारी जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो जो हम चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो हम ये स्मार्ट वर्क थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो है वो स्पीड ना रिड्यूस हो, और हम जो है वो कम टाइम में ज़्यादा काम जो है वो कर सकें। तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा अगर हम बार बार जो है ये टूल बंद करें, और फिर एक नहीं करना पड़ेगा, दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये साइड वाला जो है ग्रास, इसको भी हम जो है वो जई तई इसकी भी फेर रहे हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे काम खराब हो गया, काम खराब हो गया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो अगेन इस वाले एज के ऊपर, अगेन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि और भी प्रॉब्लम आने, क्योंकि इस वाले एज के ऊपर है ना ज़्यादा जगह नहीं हमारे पास बच रही। उस वाले एच के ऊपर हम फिर भी वो किसी दूसरे के फील्ड से होते हुए जो है वो जा सकते हैं, और जो साइडों पे वो ग्रास लगा हुआ है ऑफ कोर्स उस वो तो हम हार्वेस्ट करने ही वाले हैं। ठीक है, साथ इसके क्योंकि वो भी जो फिर ऑफ कोर्स बीच में आ जाएगा इसके। तो ये है कि इवेंचुअली अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते रहे तो फिर बाद में हमें जो है वो बिल्स बनाना भी थोड़ा आसान होने वाला है।
वैसे हमने पैसे बचाने के चक्कर में बेलर तो परचेज़ कर लिया है, लेकिन हिसाब किताब उधर ही आ गया, क्योंकि अब ये वाला जो बेलर है ऑफ कोर्स ये साथ ही साथ जो है वो बेल रैप तो करता नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसको हमें जो है वो बेसिकली अलग से रैपर, बेल रैपर जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए जो है वो बेल्स रैप करेगा। सो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे लिए काम ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है यहाँ पे। तो क्योंकि रैपिंग के लिए हमें फिर जो है वो अलग से सारा सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर जो नॉर्मल एक है इस गेम में, मेरे ख्याल से जॉन डेयर का बेलर है वो, लेकिन वो राउंड बेल्स बनाता है, लेकिन यह है कि उसमें है ऑप्शन साथ ही साथ आप जो है वो रैप भी करते जाते हो, ठीक है। सो अब इट इज़ व्हाट इट इज़, तो इसको अभी हम लेके चलते हैं। सो ये ग्रास जो है वो मूव करते हैं, मैं देखता हूँ सारा शायद हम ना ग्रास ही बनाएं, और हो सकता है बीच में मुझे जो है वो इसके पीछे टेडर भी लगाना पड़े, क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पे हे भी चाहिए, सिर्फ हमने जो है वो ग्रास नहीं लेना, हमें हे की भी ज़रूरत है। हे जो है वो वैसे तो पड़ा है किसी हद तक हमारे पास, तो लेट्स सी कि मैं कितना इसको हार्वेस्ट करता हूँ, अभी मुझे खुद नहीं कोई इतना आइडिया। जस्ट अ लिटल बिट मोर और इसके बाद हमारा ये फील्ड हो जाएगा कंप्लीट। टुक मी अ वाइल, लेकिन यहाँ पे फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा यहाँ पे है ना, बीच बीच में आपको नज़र आएगा मैंने काफ़ी जगहों पे ग्रास जो है वो मिस कर दिया है। ऑफ कोर्स मैंने जानबूझ के नहीं किया, इट इज़ व्हाट इट इज़, और अब उल्टा पंगा हमने लिया है तो ये चीज़ें तो फिर अब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ऊपर उठा लेते हैं और बंद कर देते हैं, और इसको, अरे इसको सच्ची याद आया, फोल्ड नहीं करना था, फोल्ड करके अगर इसको रखेंगे तो ये इसकी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये जो है सिंपली ऐसे ही डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोवर, और इसको कहाँ पे घुसेड़ें ये अभी हमने देखना है। अच्छा गाइज, मैंने ना ये जितना भी था हमारे पास सारे का सारा जो है वो यूज़ कर लिया, मतलब सारे का सारा जो है वो ग्रास मूव कर लिया, और हे मैंने फिर फ़िलहाल के लिए जो है वो नहीं बनाया। टेडर वैसे मैंने परचेज़ कर लिया था, लेकिन हे फ़िलहाल के लिए मैंने जो है वो नहीं बनाया। सो नाउ यू गाइज नो कि अब टाइम है हमारे लिए बेस बनाने का। स्क्वेयर एबल ट्वाइन, पता नहीं यार ये ट्वाइन क्या चीज़ है, अब मतलब ये नहीं होगी ना तो मेरे ख्याल से आप बेल्स बना नहीं सकते। यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स हैं इनकी मदर सिस्टर टुगेदर कर रखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी पिकिंग बेल्स, और लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे ये वाला पिक कर लेते हैं, और फिर रो बाय रो जो है वो करते हैं। अच्छा ये भी अभी काम जो है ना बेसिकली सारा मैनुअली है, तो ये भी हमें मतलब कि सारा मैनुअली काम करना पड़ेगा। सो आई हैव टू डू दिस ऑल ऑन माई ओन, नो हेल्पर ऑफ कोर्स। यहाँ पे इतने अभी एडवांस नहीं हुए जैंट सॉफ्टवेयर वाले कि हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं इसको, बेलिंग भी जो है वो एआई से करवा सकें। सो आई थिंक इसके लिए हमें शायद अगली गेम का वेट करना पड़ेगा, या मे बी यहाँ पे कोई मॉडर जो है वो उठे और मॉड बना दे इसका, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ग्रास जो है वो फील्ड के ऊपर कहीं भी हो सकता है। क्रॉप का तो एक फिक्स होता है ना कि यहाँ यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो ग्रास जो है वो आई बिलीव के क्रॉप के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। सो इसका जो है वो थोड़ा सा मसला। अच्छा यार शिट, तो अभी मैं बेल का जो है वो साइज़ चेंज करना भूल गया हूँ, अब थोड़ी सी छोटी बेल बन रही है, हालांकि हम इससे जो है वो थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। अब मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाद में जब हम पिक करने जाएंगे तो ये साइज़ का बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमें ये जो साइज़ चल रहा है इसी को लेके जो है वो चलते रहना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे बेल का टेक्सचर भी देखें, हर दफ़ा जो न्यू चेंज होता है, इस दफ़ा भी ये है कि ये जो ऊपर इसके थोड़े से रेशे होते हैं वो ज़्यादा इसे इंक्रीज़ कर दिए, जो यानी कि जो थोड़ा बहुत ग्रास जो है वो निकल रहा है। हालांकि अगर आप रियल लाइफ में बेल्स देखें तो वो बिल्कुल अजीबो गरीब होते हैं, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक थोड़ा सा सेटिस्फाइंग टच देने के लिए बिल्कुल परफेक्टली स्क्वेयर बेल्स जो है वो बनाई होती हैं, जबकि रियल लाइफ में बेल्स जो है वो बड़ी आड़ी तिरछी सी और अजीबो गरीब सी होती हैं। बस वो थोड़ी बहुत ही जो है वो लगती हैं कि स्क्वेयर हैं, लेकिन बाकी जो है वो काफ़ी हद तक आप उसको पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली स्क्वेयर और हार्ड किस्म की बना दी हैं, तो मैंने तस्वीरें वगैरह देखी हैं रियल लाइफ में बेल्स जिस तरह की होती हैं वो इस तरह की नहीं होती, इससे काफ़ी फ़र्क होती हैं। बट अगेन इट्स अ गेम, और बेल एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक आध तो बनानी नहीं होती कि वो बहुत ही डिटेल्ड बना दें,
बेल्स जो है वो फिर आपने सैकड़ों की तादाद में बनानी होती है, हंड्रेड्स ऑफ बेल्स पड़ी होती हैं इस एक फील्ड के अंदर। सो वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड बना देंगे कि 3 बेल्स के बाद आपका पीसी क्रैश कर जाए तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। सो दे हैव टू वर्क स्मार्ट, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो स्मार्ट वर्क किया, तो इनको जो है वो फिर जाहिर सी बात है गेम की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उसका भी ख्याल रखना पड़ना है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ही होती हैं फिर। तो यहाँ पे प्रॉपरली और नाइसली हम लोग जो है वो यहाँ पे गाइस ग्रास बेल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंटिन्यू करते हैं और लेट्स सी कि मैं कितनी ग्रास बेल्स जो है वो बना पाता हूँ, कब जाके मैं थक जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं बनाना ग्रास बेल्स, लेट्स सी कब तक जो है वो मैं बोर होता हूँ। यानी कि ये सारा फील्ड है और कितनी मैं बना, हो सकता है मैं सारी बना लूँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं बोर हो जाऊँ, मैं सोचूँ बस यही रैप कर लेते बाकी कल देख लेंगे।